लोयाबाद में पुलवामा हमले के शहीद दिवस पर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर आतंकी हमले की मंगलवार को शहीद दिवस मनाई गई। इस मौके पर नवयुवक सामाजिक संघ लोयाबाद के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाला गया, जिसका नेतृत्व सक्सेस कोचिंग के शिक्षक गौतम सर एवं समाजसेवी विनय चौहान के द्वारा किया गया। तिरंगा यात्रा सक्सेस कोचिंग यूको बैंक से होते हुए लोयाबाद थाना कोनार्क स्ट्रीट के से वापस दुर्गा मंदिर में समापन हुआ। तत्पश्चात शहीदों के प्रति 2 मिनट का मौन रखकर भारत माता की आरती और कैंडल जलाकर पुलवामा शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर सक्सेस कोचिंग के शिक्षक गौतम सर ने कहा कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान हमारे देश भारत को तोड़ने की कोशिश हमेशा करते रहे हैं। वो कभी संसद पर हमला करवाते हैं, तो कभी अक्षरधाम मंदिर पे, तो कभी मुंबई हमला, तो कभी हमारे सैनिकों पर हमला करवा कर हमारे देश में अशांति फैलाना चाहते हैं। कुछ आतंकी संगठनों के द्वारा हमारे देश की एकता और अखंडता पर प्रहार करना चाहते हैं। शायद उसे यह मालूम नहीं कि हमारे देश में सभी धर्म के लोगों को समान अधिकार प्राप्त है। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से सिकंदर शर्मा, शुभम चौधरी, विकी शर्मा, विकी गुप्ता, किरण रिंकी, विशाल कुमार, पंकज कुमार, अंकित सिंह, तेजस, अभय, सुजल, अरविंद उपस्थित थे। दिखा रहे हैं और जागृत कर रहे हैं। आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ नव युवक सामाजिक संघ के गौतम सर के और उनके टीम को, जो हर प्रकार से समाज के प्रति जागृत होकर लोगों के बीच में कुछ न कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो लोगों को प्रेरित करते हैं। उनके माता बहन भाई या समाज के कोई भी लोग हो, उनके जागृत करने का जो काम करते हैं उनको मैं सबसे पहले दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब मैं कुछ बता देना चाहता हूँ कि सबका ख्वाब होता है कि मेरे बच्चे पढ़कर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कर बने, आईएएस बने, अफसर बने, कुछ भी बने, भगत सिंह और राजगुरु बने। राजगुरु और भगत सिंह कौन बनेगा? हम ही लोगों के बीच में से। आज भी अगर किसी प्रकार का अगर किसी का खून का जरूरत होता है, दूसरा कोई देगा? आज भी प्रकार का देश का दूसरा का बच्चा मर गया ना, मेरा क्या जा रहा? जब अपनापन आएगा तब समझ में आएगा। दूसरे के घर में हम लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग घर में आईएएस बन गया, डॉक्टर बन गया पढ़ लिख कर, भगत सिंह कहां से लाओगे, क्रांति कहां से लाओगे? इसलिए मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि जितना आपका जो जरूरत है उससे बेहतर, मतलब जो क्या उसको बोलते हैं, पढ़ाई शिक्षा के साथ साथ सामाजिक ज्ञान बहुत ही जरूरी है। क्योंकि सामाजिक ज्ञान अगर नहीं रहेगा तो आप लोग आगे कितना भी दूर चले जाओ, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, व्यर्थ हो जाएगा। सामाजिक ज्ञान अगर भूलोगे, पछताओगे, देश के लिए या समाज के लिए वो हानि है। किताबी ज्ञान से बेहतर सामाजिक ज्ञान को भी बढ़ावा देना है। इसी बात को बोलकर हम उन शहीद जवानों को अर्पित करता हूँ अपना श्रद्धांजलि। भारत माता की जय। वंदे मातरम।